मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। इज माय गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। सबकी तरफ वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। आकाश, देवप्रिया, यस मैम। डांस तैयार हो गया है बंगाली? यस मैम। करके दिखाओ, थोड़ा सा करके दिखा दो, कैसे कैसे तैयार किया है। वाओ, नहीं है प्रिया? यस मैम। और कितना सही है? नो मैम। और है ना? यस मैम। वेरी गुड। सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग नेम बताओ। भूल गई? हाँ, याद है कि नहीं? नित्य, आप क्या करोगी कल? जाती मंगा। अच्छा, तो देखूंगा। अरे कुछ बंगाली कोई फिल्म है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आकाश। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या मैम, आज आप कौन सी वीडियो बना के सेंड करोगे? यस मैम। कौन सा, क्या करोगे? पहले तो मैं यूट्यूब पे एम सेंड कर के डांस सीखूंगा। उसके बाद मैं सीखूंगा क्या, तो फिर ऊपर तो पोयम लिखूंगा। क्या पता था? और फिर बंदा का स्पोर्ट में दिखाऊंगा। आप ड्रेस पहनने के लिए इसकी तरह मुझे भी है। नित्य, आप झांसी की रानी बनोगी ना मैम? हाँ मैम, झांसी की रानी वाला मैंने ही चूज करा। हाँ, तो आज फोटो भेज देना अभी क्लास के बाद, ठीक है? रेडी होकर झांसी की रानी जैसे। हाँ, क्लास के बाद रेडी होकर फोटो भेज देना। देवो प्रिया। यस मैम। और वीडियो
है आपका? क्या मैम? क्लास के बाद वीडियो बना के सेंड कर देना डांस वाला। यस मैम। हाँ रेडी होना है बंगाली की तरह बिल्कुल, है ना, जैसा बंगाली ड्रेस। यस मैम। मैं तो गुजराती हूँ, मैंने गुजराती बनाया। मैं गुजराती बना रहा हूँ। मैं गुजराती बना रहा हूँ। ठीक है नित्या, जो भी बनी हो आज सेंड कर देना वीडियो और फोटो। देखो प्रिया आप अच्छे से रेडी होकर प्लेन बैकग्राउंड जहाँ पे दीवार होगी ना वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना है, आपको डांस करना है, समझ गई? यस मैम। हाँ दीवार चाहिए क्योंकि वो वीडियो ठीक है। और आपके व्हाट्सएप पे बच्चों, आप सभी के व्हाट्सएप पे एक मीटिंग आईडी गई है दूसरी वाली, उस पे लॉग इन करके आपको कल इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेट होना है, समझ गए? एक दूसरी आईडी गई होगी, ठीक है, दूसरी आईडी गई उसको, हाँ उसको डाल के कल आपको उसको डाल के सब में एंटर करना है, ठीक है? टाइमिंग और सब कुछ दिया था, सेंड कर दिया था, मैसेज गया ना सबको, पेरेंट्स को पता चल गया होगा। 9 बजे ठीक है, 9 बजे यू हैव टू ज्वाइन इन अदर मीटिंग आईडी और उसका पासवर्ड डाल के आपको ज्वाइन करना है। जैसे अभी दूसरी मीटिंग में डाल के ज्वाइन करते हो ना लास्ट में 37 मैम। हाँ ये वाला डाल के ना अभी मीटिंग में लास्ट में 2 डिजिट होंगे, कल आपको दूसरी आईडी पासवर्ड। हां कल वन में तो मेरे कम है मैम, इसको रखना प्लीज। देखो दिख रहा है सबको? यस मैम। 4, 5, 6, 5, 5, 9, 7, 3 इसमें आपको ज्वाइन करना है। आपको मैसेज मिल गया होगा और पासवर्ड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है? यस समझ गए सब लोग? हमने कितना नंबर लिखा था? क्या कि व्हाट्सएप पे जो आई है उसमें आपको ज्वाइन करना है ताकि इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम होगा उसमें आप लोग शामिल हो सको, ठीक है? आईडी पासवर्ड मैम प्लीज आप नंबर लिख दोगे एक बार? आईडी पासवर्ड लिखना है। हाँ दूसरा वाला, जैसे ये वाला डालती हो ना दूसरा वाला मिला है आपको व्हाट्सएप पे, अभी नहीं कल 9 बजे ठीक है? 9 बजे शिवम समझ गए? यस मैम। हाँ और मैम पासवर्ड लिखवा दीजिए, उसको आज आपको सेंड करना है, ठीक है? कल मत सोच लेना, जो फोटो और जो डांस वाला वीडियो है सॉन्ग वाला वीडियो है उसको आज सेंड करना है, समझ गई? यस मैम। हाँ आज अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना रेडी होके पूरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना है वीडियो, उसके बाद आज आपको सेंड कर देना, समझ गई? करोगी सॉन्ग? डांस कब सेंड करोगी नित्या? यस मैम। प्रिया आज है ना? आज आज गए देवप्रिया, हम आपके डांस का वेट कर रहे हैं। यस मैम। कृति, कृति आप क्या कर रही हो? कौन सा नंबर सेंड करना है? क्या कर रही हो आज? कौन सा नंबर पे सेंड करना है? मिल चुका है आपके पेरेंट्स को, पता है उसी पे करना है आपको। मैम मैं पार्टी में पढ़ती हूँ इसलिए दूसरे बार करेंगे। अच्छा ठीक है कृति, कोई बात नहीं। शौर्य, व्हाट विल यू डू? शौर्य आप क्या करोगे?
आपने कुछ सोचा है शायद? बताइए। नहीं सोचा। तो देवो प्रिया, आकाश, नित्या, शिवम, आपने क्या सोचा? मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा। ड्राइंग बनाऊंगा। क्राफ्ट भी बना देना है शिवम। ड्राइंग या क्राफ्ट बना देना है ना, इंडिपेंडेंस डे पे कोई अच्छा सा क्राफ्ट बना देना। समझ गए? और उस क्राफ्ट के साथ अपना नाम लिख कर तब उसकी फोटो खींचना है, ठीक है? एक अलग से पेज पर आप उसका नाम लिखोगे, जो अपना नाम लिखोगे। नहीं नहीं देवप्रिया, आप डांस का वीडियो भेज रही है ना, वही काफी है। बहुत फड़क रहा है, दिख नहीं रहे हो तुम उसमें, दिख रहे हो खोपड़ी तुझी से दिख रही है। समझ गए बच्चे आप लोग? देवप्रिया आपको डांस का वीडियो भेजना है आज, और आप कुछ नहीं करोगे। कल दूसरी मीटिंग आईडी से ज्वाइन करके प्रोग्राम में हिस्सा ले लेना बस। वीडियो और सब लोग कल अच्छे से स्कूल यूनिफॉर्म पहन के रेडी होकर मीटिंग में आएंगे। समझ गए ना, जैसे स्कूल आते हो? मैम 9 बजे मीटिंग आईडी आपको दी गई। समझ गए? Yes, ma'am. शिवम, बनाओगे क्राफ्ट? क्या मैम? क्राफ्ट बनाओगे? कोई अच्छा सा देख लेना ड्राइंग, अगर बना रहे हो ठीक है, कोई अच्छा सा अगर क्राफ्ट दिखेगा तो बना देना, ठीक है? मैंने ड्राइंग बना लिया है। बना लिया है? यस मैम। दिखाओ, कौन सी ड्राइंग बनाई है, दिखाओ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, गुड। मैंने कविता भी ऐड किया है। वाव, सुनाइए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आओ प्यारो आओ वीरो, मातृभूमि पर बलि बताओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वेरी गुड शिवम। सो आर यू गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट? आप इसमें वीडियो बनाने वाले हो शिवम? यस मैम। हाँ, सो फर्स्टली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, क्या बोलोगे? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिवम और फ्रॉम क्लास 1 एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अ पोएम ऑन इंडिपेंडेंस डे, है ना? पूरी बात इंट्रोडक्शन देने के बाद आप स्टार्ट करोगे। समझ रहे हो शिवम? यस मैम। हाँ, कैसे करोगे बताओ बोलकर। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम सिन्हा, आई एम 6 इयर्स ओल्ड, आई नहीं नहीं एज बताना इज नॉट नेसेसरी, आप बिना एज के भी बस क्लास और अपना इंट्रोडक्शन देकर सबको एवरीवन हेलो बोलकर उसके बाद स्टार्ट कर दो। आई एम आकाश कुमार सिंह,
गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवम सिन्हा, आई रीड इन क्लास फर्स्ट. And today I'm going to tell a poem on Independence Day. चलो स्टार्ट करो. हेलो एवरीवन, आई एम आकाश कुमार सिंह. वेरी बिशप टू एवरीबॉडी इन इंडिपेंडेंस डे. हमारा विश्व तिरंगा प्यारा बनाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन प्यारा, झंडा उठा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा. आओ प्यारो आओ वीरो मातृभूमि पर बलि बन जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा झंडा ऊंचा हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा. वेरी गुड. लास्ट में आपको बोलना है बस आकाश जय हिंद, है ना? लास्ट जय हिंद. चलो, सो सबको समझ में आ गया ना कि आज आपको क्या क्या वीडियो और फोटो भेजनी है? यस मैम. हाँ, आप जब वीडियो बनाइएगा अपनी पोएम का, तो अगर आपके पास एक फ्लैग होगा ना हाथ में, तो उसको फ्लैग लेकर अच्छे से रेडी होकर तब वीडियो बनाना. चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का क्या मतलब होता है बताइए, किसको पता है? देखो बच्चों, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होते हैं किसी की, किस नाउन के बारे में जब कोई क्वालिटी बताता है, है ना? जैसे कि वो छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, हैप्पी है या सैड है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों को जब बताते हैं तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? जो आपकी ये वाली ग्रामर की बुक है ना, इसका 6th चैप्टर. आ जाइए. यस मैम. 6th चैप्टर. ये देखो, मतलब जैसे कि मोटा पतला, बिग स्मॉल वाली. देखो ना आप जी, तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं. मैम चैप्टर नंबर 6. हाँ, डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे हो गया? जैसे देखो, इसके बारे में, इस वाले लाइन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ही इज एंग्री. ये क्या है? ये बहुत ज्यादा एंग्री है. ये वाला एंग्री है. और ये वाला क्या, कैसा है बताओ? इसके बारे में क्या क्वालिटी बताई जा रही है, डिस्क्राइब किया जा रहा है? हाँ, ये फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, समझ गए? ये नाउन है, ये दोनों नाउन है, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि एक तो एंग्री है ना, और दूसरा कैसा है? फ्रेंडली है, समझ गए? नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा, हमने आपको बताया है नाउन क्या होते हैं. आप बताओ इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है बच्चों? क्या मैम, इनके बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है बताओ? ये दोनों जो नाउन है, इनके बारे में क्या बताया जाए? ये वाला जो रैबिट है,
इसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये कैसा है? ये ताकतवर नहीं है, ये वीक है। तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा? वीक, स्ट्रॉन्ग। और इसका क्या हो जाएगा? ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग। तो नाउन के बारे में बच्चों जो डिस्क्राइब करता है वही क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है। यस मैम। अब देखो ये वाली पिक्चर देखो, इसमें क्या हो रहा है बच्चों बताइए? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? फास्ट, फास्ट और स्लो। ये कैसी है? फास्ट, फास्ट। और ये कैसी है? स्लो, स्लो। तो है ना, एक फास्ट है, ये वाली फास्ट है और ये वाली स्लो है, है ना। तो ये दोनों नाउन है। आपको पता है नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो नेमिंग वर्ड्स का जो क्वालिटी बताएगा, जिसके बारे में जो बताएगा, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट देखो, फोटो क्या है? बहुत ज्यादा मज़ा। अब देखो ये डोर है। अब डोर के बारे में बताया जा रहा है। डोर के बारे में क्या बताया जा रहा है बताइए? ओपन है, एक क्लोज है। ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, है ना। एक डोर क्लोज है और एक डोर ओपन है। तो ये डोर के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। देखो जो भी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे जो वर्ड, वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? यस मैम। अगर अच्छा देखो, हमने बोला कि आकाश इज अ स्वीट बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा बताओ? कौन बताएगा? अच्छा अगर हमने बोला कि रवि इज स्ट्रॉन्ग, तो एडजेक्टिव क्या होगा बताओ? ओपन क्लॉज, ओपन क्लॉज। बेटा स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है ना, स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है ना। तो एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। दिख रहा है कि नहीं सबको? एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। तो एडजेक्टिव वही वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। समझ रहे हो आप लोग? यस मैम। मैम पेज नंबर कितना था? चैप्टर नंबर 6 पर आ जाओ, पेज नंबर कुछ नहीं। चैप्टर नंबर 6। हाँ स्टार्टिंग में बता दी, अभी तक आपको पता नहीं चल पाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले फोटो में? मैम फास्ट स्लो, फास्ट और स्लो, स्लो। तो फास्ट और स्लो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बताइए? फास्ट
इस पर ये जो बॉय है ये अप जा रहा है, इधर से डाउन जा रहा है. तो डाउन और अप क्या है? अपोजिट एडजेक्टिव. यहाँ पर देखकर बताओ यहाँ क्या हो रहा है? टॉल और शॉर्ट. टॉल और शॉर्ट है, ये एडजेक्टिव है ना. एक कोई टॉल है और एक कोई शॉर्ट है. तो जो जो गर्ल है वो शॉर्ट है, तो शॉर्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना. यस मैम. और बॉय कैसा है? बॉय टॉल है, तो टॉल उसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, कि शिवम इज टॉल, तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पर है? बताओ बच्चों, अगर हमने बोला शिवम इज टॉल तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? क्या होगा एडजेक्टिव? वेरी गुड शिवम, टॉल हो जाएगा. एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? टॉल. अगर हमने बोला कि नित्या इज शॉर्ट तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? शॉर्ट. शॉर्ट हो जाएगा. फिर यहाँ पर क्या है देखो, लॉन्ग एंड शॉर्ट. अब हेयर की बात हो रही है, तो लड़की की जो हेयर है, दिस गर्ल्स हेयर इज लॉन्ग एंड दिस वन इज शॉर्ट. यू कैन सी ना, इसकी जो हेयर स्टाइल है वो छोटी है ना. यस मैम. हाँ, और इसकी वाली बड़ी है. तो ये वाली देवोप्रिया है, ये वाली नित्या है, क्योंकि देवोप्रिया के बाल थोड़े शॉर्ट हैं और नित्या के जो हेयर है वो कैसे हैं? थोड़े से लॉन्ग हैं. समझ गई है ना देवोप्रिया? Yes, ma'am. सही बोल रहे हैं कि नहीं आप? Yes, ma'am. If I am wrong, you can clear it. आपके बाल शॉर्ट है ना, तो ये वाली आप हो. चलो अब देखो, ये जो एक ट्विग है, इसकी जो ये ब्रांच है ये लॉन्ग है, और ये वाली जो ब्रांच है दिस वन इज, अच्छा सॉरी, ये पूरा जो ट्विग है, ये पूरी जो ब्रांच है ये लॉन्ग है, एंड इसके आगे जो स्नेक है ये कौन सा एनिमल है बच्चों? स्नेक. तो बच्चों की जो स्नेक होता है आपको पता है कि हाउ ये सुनता कैसे है? बताओ, आपको इसके ईयर दिख रहे हैं? नो मैन, नो मैन. पहले कौन कौन चाहता है स्नेक देखना? मैम, मैंने कल देखा था. कल देखा था? कहाँ देखा था कल? कल कहाँ देख लिया था आपने स्नेक? सपेरा वाले अंकल जी लाए थे. हाँ, सही कह रहे हो. कल एक फेस्टिवल था ना स्नेक्स का, इसीलिए आपने देखा होगा. कल के दिन स्नेक्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि कल नाग पंचमी थी ना. आए बच्चों, आप लोग डरोगे तो नहीं? दिखा दें आपको स्नेक? यस मैम.
So see this. I'm a plant and tell you a snake. Yes, ma'am. बताओ इसके ear कहाँ पर है? इसके बड़े हैं। ears नहीं है। तो फिर ये सुनता कैसे है बच्चों? नहीं साफ। सारा समझता है। नहीं, जब आपने देखा होगा जब जो बीन बजाई जाती है ना, हाँ एक तरह से कह सकते हो इशारा, लेकिन जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर से एक वाइब्रेशन निकलती है ना, जब चलते हैं तो पता चलता है ना कि कोई चल के आ रहा है। जब आप नीचे होते हो तो रूफ पर छत पे जब कोई होता है तो आवाज आती है ना उसके पैरों की। Yes, ma'am. तो उससे थोड़ा सा जो रूफ है वो थोड़ा सा हिलती भी है ना, जहाँ पे जब कोई चलेगा हिलता क्या, एक तरह से वाइब्रेट होता है, पता चलता है कि किसी ने पैर रखे हैं, तो उसी को ये फील करता है, इसको वही फील होता है और उसी से ही समझता है। और जब बीन बजती ना तो बीन की जो साउंड होती है वो नहीं सुना देती इसको, इसको उसके वाइब्रेशन सुनाई देते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए आपने कभी देखा होगा, वैसे देखा ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन सुना होगा कि जो स्नेक होते हैं वो अगर आप शांति से बैठे रहोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, देखा नहीं उसने ना आपको तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप हो भी, लेकिन अगर उसके सामने भागोगे दौड़ोगे या कुछ भी वाइब्रेशन उसको सुनाई देगी तो वो तुरंत अटैक कर देता है, समझ रहे हो? इसीलिए स्नेक सुन नहीं सकते लेकिन वो वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये स्नेक का एडजेक्टिव है कि वो वाइब्रेशन को फील कर सकता है। तो ये एडजेक्टिव वाला टॉपिक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम। चलो तो हाँ, आप लोग आज वीडियो और फोटो सेंड कर देना इंडिपेंडेंस डे के लिए, हम आपकी वीडियो और फोटो का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। बाय मैम। Bye, man.